हाँ तो देखिए एक समस्या और आ रही है इसमें देखने में सामने। जैसे ये एरो है, ये एकदम सही नहीं आ पा रहा, मतलब मूव नहीं कर पा रहा ये। देखिए मैं डब्लू प्रेस कर रहा हूँ उसके बाद भी, तो इसका एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एक्स। ये देखिए ये आ गया, मूविंग करवा देगा अभी। ठीक है, ये मैंने स्टेयर दे दी दोनों तरफ, इन सब का फ्रेम बना दिया मैंने, फ्रेम बना दिया है और इस प्लेन लगा दिया यहाँ पे ताकि हमें मटेरियल अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, चारों तरफ इसके बाउंड्री वॉल या फिर पैराफिट वॉल जो बोलते हैं हम लोग, वो डिज़ाइन करूँगा और उसके ऊपर का फ्लोर भी साथ साथ डिज़ाइन करूँगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको लाता हूँ, इसको ला के और हम इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे, सेम यही लुक रहेगा हमारा। ठीक है, इसी लुक के साथ हम इस पे काम करेंगे और इस पे पैराफिट वाला डिज़ाइन भी दे देंगे। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ अगर इसको मैं पकड़ के खींचूंगा तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और ये किया मैंने प्रेस इसको घुमाने के लिए, ए फॉर एंगल, एंगल मैंने ऑन कर लिया ताकि हम रोटेट कर सकें इसको आसानी से। अब एंगल का राइट वाला मैं बटन दबाऊंगा तो पता चलेगा हमें, यह 5 है तो हमें यहाँ 90 डिग्री करना ताकि इस पर रोटेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए आप, ये हो गया, ये हम टॉप पे जाके कर लेंगे इसको सीधा सा। ये देखिए, फिर मैंने डब्लू प्रेस किया, फिर पर्सपेक्टिव पे गया मैं, सिर सेम बॉल भी ऐसे ही, टॉप ही प्रेस किया और इसको मैंने घुमा दिया। ये देखिए, अब मैं इसको इधर से एडजस्ट कर लूँगा। मेरा वॉल थोड़ा सा आउटर जा रहा है, इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा हो तो मैं स्नैप से पकड़ लो के इसको और रख देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, इधर भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करूँगा। इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेता हूँ, लीजिए इन दोनों का मैं बुलियन के माध्यम से, सॉरी एडिट के माध्यम से इसका वर्टेक्स पकड़ कर इसको छोटा कर लूंगा जितना मुझे चाहिए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक लिया है और ऊपर वाले मैंने वर्टेक्स पकड़े हैं, इनको भी आगे बढ़ा देता हूँ। आगे मैं सोच रहा हूँ कि पूरा वॉल ने देखे और एक वॉल का थोड़ा सा डिज़ाइन दूँ मैं इसमें अच्छा सा, तो इसके लिए अपन करते हैं प्रयास आगे। सबसे पहले ये यहाँ भूल गया मैं, इसको मैंने ग्रुप कर रखा है यहाँ से, सॉरी। अच्छा, ये पूरा सेलेक्ट नहीं है एक्चुअली, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी के अंदर एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैं सेम का सेम यही पोर्शन ऊपर भी दूंगा, इसी को मैं कॉपी कर दूंगा अभी ऊपर, बहुत आसान है, कोई इश्यू नहीं आने वाला उसमें भी। ये देखिए,
सेम ऐसे ही मैं इधर भी कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे कॉपी किया मैंने, ये देखिए। ये मेरा स्टेप हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब उसके बाद मुझे इसी व्यू को ऊपर कॉपी करना है, क्योंकि मेरा ऊपर एक ही है बड़ा होल सा है यहाँ पे, उसी पूरे व्यू को मैं कॉपी कर लूँगा। इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके ग्रुप बना लूँगा ताकि मुझे आसानी रहे इसी व्यू को ऊपर करने में। मैं कॉपी करता हूं ऊपर, ठीक है, इससे हमारा आगे का ये दूसरा व्यू भी तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा प्लान आ रहा है कि मैं यहाँ पे भी कुछ डिजाइन दूँ, यहाँ और यहाँ ऊपर। इसके हिसाब से मैं यहाँ वॉल भी सेट कर दूंगा, पैराफिट वॉल, ठीक है, ये रहेगी। अब यहाँ पे अब तो मुझे वॉल देना है, तो आ गया।